सामने आया जिसमें केरोसिन डालकर बहू को जिंदा जलाने के मामले में एक ही परिवार के 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिससे हड़कंप मच गया। आपको बता दें, 8 वर्ष पहले बड़वानी जिले की सादिया का निकाह खंडवा के मोहिद्दीन के साथ हुआ, जहां दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। वहीं जिठानी की मौत के बाद बच्चों की देखरेख का जिम्मा सादिया पर आ गया, जिसमें विवाद इतना बढ़ा कि पति ने केरोसिन डालकर साबिया को मौत के हवाले कर दिया। वहीं परिजन ने घटना को हादसे के रूप में उजागर कर दिया, लेकिन मायके पक्ष ने हार नहीं मानी और ठोस गवाह सबूत के आधार पर मामले को कोर्ट में घसीटते हुए साबिया को आखिरकार इंसाफ दिलाया। एक ही परिवार के 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा एक मिसाल है समाज के लिए, वो समाज जो कि कहीं ना कहीं महिला को कमजोर समझता है, और उस महिला के परिजनों जिस तरह से मायके पक्ष के लोगों ने इस पूरे मामले में लड़ाई लड़ी और ससुराल पक्ष के 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एक ही परिवार के 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जिससे हड़कंप मच गया। आपको बता दें, 8 वर्ष पहले बड़वानी जिले की सादिया का निकाह खंडवा के मोहिद्दीन के साथ हुआ, जहां दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया गया जाने लगा। वहीं जिठानी की मौत के बाद बच्चों की देखरेख का जिम्मा सादिया पर आ गया। रात में इन्होंने मर्डर करा था इसका, और मर्डर करके जला दिया था इसको। क्या, किस बात के लिए मर्डर किया? एक तो दहेज था, दहेज का मामला था सबसे ज्यादा। तो 6-6 लड़कियां हो इनके परिवार में, इसके जेठ को 6 लड़कियां थी, इसको भी एक लड़की हो गई थी, वो लड़के थे नहीं इनके परिवार में। इसके पहले भी इसने इरशाद, जो इसका जेठ है, उसने एक लड़की को स्लो पॉइजन दे के मार डाला था, मलकापुर की थी, उसके सगे मामा की लड़की थी। और घटना दिनांक को उसके पति ने उसके साथ डंडे से मारपीट करी, जिसके साक्ष्य उसके 3 साल के बेटे ने मुख्य रूप से साक्ष्य दी है, और न्यायालय ने चालान प्रस्तुति उपरांत पटल पर आई हुई साक्ष्य का सूक्ष्मता से अध्ययन करते हुए मृतिका के सास, ससुर, जेठानी, ननन और उसके पति को, इन सभी को दहेज हत्या के आरोप में आजीवन कारावास दिया गया है। को इस मामले में इंसाफ मिल ही गया, कहीं ना कहीं जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया था ससुराल पक्ष की तरफ से, और 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा एक मिसाल के रूप में है समाज के लिए। हेलो प्रमोद, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? आशीष जी, मैं आपको बता दूं कि बड़वानी जिले की सारी बड़वानी जिले की थी, और 2013 में इसका निकाह मोहिद्दीन के साथ हुआ था जो खंडवा में रहते हैं। और उसके बाद में क्या हुआ कि 2018 में इसको इसको जला दिया गया था, और उसको मामले को क्या है कि पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, उसके बाद पुलिस जांच मौके पर आग जले कपड़े, माचिस की तीले, केरोसिन वगैरह सैंपल जब्त हुए थे, और मायके पक्ष और आसपास के लोगों ने बयान दर्ज हुए, इसमें पूरे मामले की पड़ताल के बाद बताया कि पति, सास, ससुर और नन जेठ 5 लोगों की घटना में लिप्तता पाई गई है। इसमें माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दूं कि इसमें जो इसका जो जेठ था इरशाद, इसकी इसकी पत्नी की भी डेथ हो चुकी थी, उसकी एक्चुअल में 6 बेटियां थी, और जो मृतिका है उसकी भी 2 बेटियां, ऐसे कुल मिलाकर 8 बच्चों को ये मृतिका ही सब कुछ पाल रही थी, इसके पूरा जिम्मा था इसके ऊपर। उसके बाद में घर में हमेशा विवाद चलते रहते थे, और विवाद के चलते इसके पति ने आक्रोश में आके महिला को पहले तो लक्ष्य डंडे से पीटा, उसके बाद में इस पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। उसके बाद में इसके जेठ ने थाने में जाकर ये बता दिया कि इसकी हादसे के रूप में उसको उजागर किया, लेकिन इसके परिजन और आस पास भी इसके खुद इनके विरोध में बयान दिए, और पूरे मामले को देखकर पूरी उसके सजा लोगों को सुनाई है, और समाज के लिए बहुत सुखद संदेश है। नारी शक्ति पर हुआ अत्याचार पर निश्चित तौर पर ऐसे मामले के बाद में कमी आएगी। धन्यवाद आपका प्रमोद, तमाम जानकारी के लिए।